हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आजकल चल रहे नवरात्रि, ये नहीं बोलूँगी कौन सा दिन चल रहा है क्योंकि मेरे ब्लॉग वैसे ही डिले चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो नवरात्रि चल रहे हैं तो सबको जय माता दी और माता रानी आपकी सारी विशेष पूरी करे। तो चलिए नए दिन की नई शुरुआत के साथ एक मस्त करके ब्लॉग शुरू करते हैं। और तो मौसम भी बहुत ही शानदार हो रहा है, एकदम से मौसम चेंज हो गया है। जैसे कल परसों में इतनी ज़्यादा धूप थी और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और आज बिल्कुल ही चेंज हो गया मौसम, बिल्कुल ठंडा हो गया मौसम और बाहर बिल्कुल एकदम जैसे धुंध सी नहीं होती कि एकदम से धुंध सी लग जाती है, वैसा हो रहा है। थोड़ा सा नॉर्मल अजीब सा हो रहा है मौसम कि एकदम से मुझे लगता है कि जब तक करवा चौथ आएगा एकदम से ठंड पड़ जाएगी। हमने तो अभी कुछ भी स्वेटर वगैरह कुछ नहीं निकाले बाहर और ऐसी टी शर्ट पजामे में घूम रहे हैं कि चलो ठीक है, देखी जाएगी। हमें क्यों पता नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ का मौसम चेंज होगा। तो चलिए मौसम दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ का, उसके बाद आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये रहा यहाँ का मौसम, बिल्कुल धुंध सी छाई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है। हवाओं में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी है ये देखो, और बारिश का आने का मौसम हो रहा है, ठीक है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मौसम एकदम से इतना चेंज कैसे हुआ। कल तक इतनी ज़्यादा धूप थी और आज एकदम से चेंज हो गया। अब मुझे लगता है कि अपने सर्दियों वाले कपड़े निकालने शुरू कर देने चाहिए हमें और जो भी समर वाले हैं वो अंदर रखने शुरू कर देने चाहिए। तो वही करेंगे अब, तो मौसम एकदम से चेंज हो गया तो फिर कुछ इसमें ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास कि हम कुछ और करें, तो ठीक है बेटर है। तो आज है किसी के घर में कीर्तन, तो मम्मी जाएगी शायद वहाँ कीर्तन करने के लिए। तो बने रहिए गाइस मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक, देखते हैं कि पूरे दिन भर में क्या क्या होता है। चलिए हमारा प्यारा सा मंदिर। हाँ, बस जस्ट पूजा पाठ करने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है और मौसम ने इतना चेंज हो गया है। आज मैंने पूरी लाइट जलाई है घर पे और तब जाके थोड़ा सी रोशनी हो रही है, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और बारिश आनी शुरू हो गई है बाहर और अभी तक इतनी ज़्यादा बिजली, इतनी ज़्यादा बादल गरज रहे थे जब मैं रोटी बना रही थी ना, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, इतना ज़्यादा मौसम का वो हो रहा था गड़गड़ गड़गड़। और अब दिखाती हूँ मौसम बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, बादल एकदम से उसमें चल रहे हैं कि अपने उसमें फ्लो में से फटाफट से भागते जा रहे हैं। ये देखो मौसम का जस्ट चेंज हो गया है रूप बिल्कुल और बारिश आनी शुरू हो गई है। अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरे पीछे से कड़कड़ कर, इस छत्ते की ज़्यादा आवाज़ आती है क्योंकि टीन शर्ट की वजह से ना, क्योंकि देखो बारिश आनी शुरू हो गई, बादल भी कैसे चलते जा रहे हैं, ठंड हो गई। तो जस्ट अभी मैं सानवी को लेके आई हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी बाहर, तो मैं भी भीग गई थी, मैंने अभी कंप्लेन में चेंज किए। और अब हम बनाते हैं लंच, लंच की तैयारी करते हैं। तो हमने सोचा आज मिक्स दाल बनाएंगे और चावल बनाएंगे, मौसम भी सही हो रहा है दाल चावल खाने वाला, तो वही करते हैं। और बाहर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ कि मैं तो भीगी गई थी पूरा, सानवी को तो मैं गोदी उठा के ले गई, बहुत ख़तरनाक। चलो फटाफट से दिन की लंच की तैयारी करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा, कुछ मज़ेदार सा। आज मैंने सारी दालें मिक्स कर दी हैं, जिसमें बहुत सारी दालें हैं जिनके तो आधे के नाम भी मुझे नहीं पता, सबको मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है ताकि मम्मी के लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए हो जाए और थोड़ा सा सानवी के लिए। इसमें मैंने दाल भिगो के रख दी है, इसमें चावल और पापा के लिए बनेंगे सलगम क्योंकि पापा को सलगम बहुत पसंद है, इसलिए पापा मिलाएंगे सलगम। तो बस जस्ट मैं दाल चावल और सलगम सारा भिगो भिगो के आ चुकी हूँ और बाहर का मौसम देखो, बारिश बहुत ठंड लग रही है, ऐसा हो रहा बाहर का मौसम। तो बस अब थोड़ी देर में बनाएंगे खाना हम लंच, और अभी तो 12:30 हो रहे हैं, 2:30 बजे तक हम लंच करते हैं तो तब तक तो बन ही जाएगा, कौन सी बात है। सो गाइस, जस्ट लंच होने के बाद अभी भी बारिश रुकी नहीं है, चलती जा रही है और हवाएं भी बहुत तेज़ है, मेरे बाल उठ रहे हैं। तो बस अभी मैं अपना एक वीडियो शूट कर रही थी अमेज़ॉन वाला जो आपको कल मिलेगा, तो उसमें मम्मी ने कुर्ते सेट वगैरह और थोड़ा सा मेरा अपना जो सामान था वही मैंने ऑर्डर किया था, वही मैंने आपको ऐसे दिखाने मतलब ब्लॉग वीडियो शूट किया उसके लिए। तो अभी भी हवा इतनी तेज़ चल रही है बाहर, मैं सोच रही थी कहीं चलेंगे, सानवी उठ जाएगी तो थोड़ी देर के लिए कहीं चलेंगे, मौसम अच्छा हो रहा है एकदम ठंडा ठंडा मज़ेदार सा, बट मुझे तो नहीं लगता कि कहीं जाने देगा ये मौसम आज, बस घर पे रहना। और मम्मी गई है कीर्तन में तो मैं सानवी के लिए रुकी हूँ घर पर क्योंकि वो अकेली थी, तो मैं सोचे घर पे रहना फ़ायदेमंद होगा क्योंकि वो सो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है इसकी वजह से वो सो रही है आराम से। तो मुझे लगता है हमारे थर्मल वगैरह निकालने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार, टी शर्ट में तो काम नहीं चलेगा, कितनी ठंडी हवाएं हैं, मेरे बाल भी उड़ते जा रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं बाहर तो।
के चलते मैंने यहाँ पे स्माइली तले हैं, अभी बाहर पड़े हैं और तलने बाकी हैं। और अब मैंने बना ली है चाय, गर्मा गर्म चाय। तो सबके अपने अपने कप हैं, मेरे हस्बैंड का है, ये मेरा है, और ये पापा हमेशा छोटे कप में लेते हैं, तो इसलिए मैंने तीनों का डिवाइड कर दिया। मम्मी है नहीं घर पे, तो हमने सोचा कि आज हम इंजॉय करेंगे बारिश का मौसम और चाय और स्माइली। ये 5 बज चुके हैं चाय पानी पीने के बाद। पापा गए हैं कहीं सब्जी सब्जी लेने के लिए, और मैं देख रही थी कि शाम के लिए हम क्या बनाएं। औरतों की सबसे मेन समस्या मुझे लगता है यही होती होगी कि सुबह क्या बनाएं, दिन में क्या बनाएं और शाम को क्या बनाएं, और जो बनाएं वो अगर फिर किसी को पसंद ना आए तो फिर क्या करें एट अ टाइम, है ना। तो वही अभी मैंने सोचा, तो हमने सोचा कि आज चाप बनाएंगे, और मैंने देखी थी एक नेट से रेसिपी, तो मैंने सोचा उसी के हिसाब से चाप बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा होता है, ट्राई करूँगी और उसके बाद उसका टेस्ट लेंगे। भगवान करे कि सबको पसंद आ जाए, नहीं तो फिर हो जाएगा कि अरे क्या बना दिए ये, बहुत कबाड़। तो मैंने सोचा कि थोड़े से चाप पहले हमने फ्रीजर में रखे हुए थे कि उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देती हूँ, उसके बाद उसका सारा मसाला ग्रेवी जो भी बनती है वो बनाऊँगी। और सानवी और उसके पापा देख रहे हैं टीवी, और मम्मी गई थी कीर्तन में, अभी तक तो आई नहीं, बस आने वाली होंगी। तो मैंने लगाई थी मशीन, मैंने कहा चलो ठीक है, और बाहर आ चुकी है धूप, दिखाते हैं। तो यहाँ का मौसम ऐसे मिनटों में बदलता है, अभी इतनी तेज़ बारिश, इतना तेज़ तूफान था, और अब जाके बाहर बिल्कुल धूप आ चुकी है, देखो बाहर अभी से 5 ही बज रहे, मतलब 4:30 हो रहे हैं यार। तो ये देखो यहाँ का मौसम ऐसा हो गया है, धूप आ गई है पूरी खिली खिली वाली, ठीक है। ये है देहरादून के हाल, अभी इतनी तेज़ बारिश और कभी ऐसा मौसम। बस मुझे ठंड लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी के जो शॉल है उसे ही ओढ़ लेती हूँ। तो मैंने लगाई थी मशीन, क्योंकि धूप आ गई है बाहर, और कल का मौसम मुझे लगता है धूप वाला ही होगा। तो मैंने कहा ठीक है, कपड़े धुल जाएंगे तो सूख जाएंगे, आधे कपड़े स्टैंड में डले हुए हैं यहाँ पे, और आधे की लगाई है मशीन, क्योंकि फिर हो जाता है ना कि मौसम के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे, तो फैमिली भी बड़ी है तो उसके हिसाब से कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, कि यानी कि एक ही बारी धुल जाए तो सबके कपड़े आ जाते हैं बाहर, ऐसे नहीं होता। तो उसके साथ मैं कहा ठीक है, चादरें लगाई हुई है, बेडशीट्स, और सारे कपड़े धुल गए हैं पीछे, एक बार मशीन और लगेगी, और तब तक थोड़ा डिनर की देखते हैं कि डिनर में हम चाप बनाना है। तो उसके लिए जो भी रेसिपी मैंने देखी है उसके लिए सामान मैं पहले इकट्ठा कर लेती हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे आज चाप। यहाँ पर मैंने अपनी चाप प्लास्टिक के बैग में ही थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए रख दिया है पानी में, क्योंकि ये फ्रीजर में रखी थी तो बहुत ज़्यादा हार्ड सख्त हो गई थी, और अगर मैंने पानी में डिप करूँगी तो ये पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से मुझे इतना सारा पानी नहीं चाहिए रेसिपी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए मैंने उन्हें ऐसे रखा है। तो फाइनली यहाँ पे मेरी चाप बन चुकी है, अब मैंने इसे लो फ्लेम पे रख दिया है ताकि थोड़ा ये और तेल छोड़ ले, वैसे इसने साइड से तेल छोड़ लिया है, पर अब ये खाने में भी टेस्टी हो, तो मिलते हैं इसे खाने के बाद। सो गाइस फाइनली मेरी चाप बन चुकी है, और जस्ट अभी हमने डिनर किया, तो जितना मैंने उसमें मेहनत की थी सीरियसली बताऊँ उतना उसका स्वाद नहीं था। मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, और मैंने नेट से देखा था, यूट्यूब से आजकल जैसे सब चीज़ें देखते हैं, शायद मुझसे सिंपल सी बनाती तो ज़्यादा मुझे ऐसे लगता कि बेटर है, कि मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सिंपल सा बनाया, बट इतनी मेहनत करने के बाद भी वो वैसे ही बना जैसा हर बार बनता है, तो मुझे तो ठीक ठीक लगा कि हाँ ठीक है, कभी कभी ट्राई कर सकते हैं ज़िंदगी में, कभी कभी ज़िंदगी में, बट अगली बार ट्राई करने के लिए बाद में 10 बार सोचूंगी। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया हो, तो उसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का।